कुछ गलतियां ऐसी होती है जिसको ना हम सुधार सकते हैं, लेकिन कुछ गलतियां ऐसी होती है जिसके बारे में हम बाद में बैठ के बस रिग्रेट कर सकते हैं कि ये मैंने क्या किया, ये मैंने क्यों किया। आज की वीडियो के अंदर 6 ऐसी मिस्टेक मैं बताने वाला हूं जो आप कर रहे हो, जो शायद आपको आगे जाके ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम में डाल देगी। और उससे पहले एक चीज, अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाओ मेरे भाई इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, मैं वहां पे बहुत प्यारी प्यारी पोस्ट डालता हूं, उसके अलावा बहुत सारी आपकी काम की चीजें वहां पे अपलोड करता हूं स्टोरीज में। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पे जाके मेरे को फॉलो कर सकते हो। तो देखते हैं वो 6 कौन सी बड़ी मिस्टेक्स है जो आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। मिस्टेक नंबर 1, एक काम पे फोकस नहीं कर पाना। हमारा फोकस ना बार बार भटकता रहता है। अगर ये फोकस हमने एकदम स्टिक कर लिया ना, एक जगह पे लगा लिया फोकस, तो 50% ना सक्सेसफुल आप ऐसे ही हो जाओगे। लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाते, हमारा फोकस बहुत इजीली भटक जाता है हमारे एम से। इसको मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से भी समझा सकता हूं। अब एक बार की बात है, क्या होता है, एक लड़का है ना, एक आइलैंड पे जाके फंस जाता है। वो बोट लेके आया होता है, एक आइलैंड पे जाके फंस जाता है, उसकी बोट वहां पे खराब हो जाती है। अब उस लड़के को उस आइलैंड से बाहर निकलना होता है, तो वो बेचारा दिन रात मेहनत करके अपनी बोट बनाने में लग जाता है, लकड़े काट के लाता है, क्योंकि पहली वाली बोट खराब हो चुकी होती है। तो वो लकड़े काट के लाता है, बहुत मेहनत कर रहा होता है। अगले दिन उसको दिखता है उस आइलैंड पे एक लड़की थी, तो वो भाई बोट बनाना बंद करके पलंग बनाना चालू कर देता है। मतलब सच्चे इंसान का फोकस ना इतनी जल्दी चेंज हो जाता है। तो ये अगर आप गलती कर रहे हो ना कि आपका फोकस बार बार भटक रहा है, तो मेरे भाई ये बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं है। ये वाली चीज ना आपको इन फ्यूचर बहुत ज्यादा परेशान करने वाली है। तो अभी से इस चीज को सॉल्व करो, फोकस हटने मत दो अपना। और अगर कोशिश करने के बाद भी आप अपने फोकस पे कंट्रोल नहीं पा रहे हो, मतलब आप बार बार फोकस नहीं कर पा रहे हो, आपका फोकस हट जाता है, कमेंट्स में जाओ, वहां पे लिखो, आपका भाई जरूर आपके लिए एक बहुत बेस्ट वीडियो बनाएगा जो आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से वर्क करेगा। मिस्टेक नंबर 2, अब ये वाला जो वीडियो है ना, ये स्पेशली उनके लिए है जिनकी एज 17 से 21 के बीच में। और एक बहुत बड़ी गलती हम कर देते हैं इस एज के बीच में, वो है कि हम हमारे क्रश को कभी कभी हमारा प्यार समझ लेते हैं, मतलब हम अट्रैक्शन को लव समझ लेते हैं। इस एज के अंदर हमारा डोपामिन ना ऐसे उमड़ उमड़ के बाहर आ रहा होता है, तो हमको क्या लगता है कि नहीं यार, यही वो लड़की है जिससे मेरे को बहुत ज्यादा शिद्दत वाला प्यार हुआ है। लेकिन वो प्यार नहीं था, वो सिर्फ एक अट्रैक्शन था। और ये चीज पता है कब पता चलती है, जब आपके रिलेशन को 2-3 साल हो जाते हैं, उसके बाद आपको रियलाइज होता है कि यार ये तो सिर्फ अट्रैक्शन है, मेरे को तो इससे प्यार है ही नहीं। आपका दिल और भी लड़कियों के ऊपर आ रहा होगा, समझ रहे हो कितना कॉम्प्लिकेटेड आपका रिलेशन हो जाएगा। ये वाली चीज लड़की के साथ भी तो हो सकती है ना मेरे भाई, लड़की को भी ऐसे रियलाइज हो जाए कि नहीं यार, ये तो सिर्फ मेरा क्रश था, मेरा सिर्फ अट्रैक्शन था, ये मेरा प्यार था ही नहीं, और वो आपको ब्रेकअप की बात कर ले। उस टाइम पे जो दिल टूटेगा ना मेरे भाई, टीनेजर होना तो आपको गर्लफ्रेंड बनाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि एक टाइम के बाद जब ये अट्रैक्शन का पर्दा आपके सामने से हटेगा ना, तब आपको पता चलेगा यार भाई ये तो बहुत बड़ी गलती कर दी। और अगर आप आते हो रिलेशन में, तो मेरे भाई आप अपना प्रेजेंट तो बिगाड़ रहे हो इन द सेंस, अगर आप ज्यादा भाव उस लड़की को दे रहे हो, आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे, तो आपका प्रेजेंट तो बिगड़ ही रहा है, लेकिन साथ में फ्यूचर में जो लात पड़ने वाली है ना, वो भी बहुत बुरी है। मिस्टेक नंबर 3, लोगों की देखा देखी करना। मतलब अभी समझो कोई लड़का खड़ा है, उसने कोई नई बाइक ले ली, आप भी घर पे चले गए, पापा मेरे को नई बाइक दिला दो। या फिर मोस्टली एक ऐसा एग्जांपल देता हूं जिससे हम सब रिलेट कर पाएंगे। अभी समझो 10th की एग्जाम खत्म हुई, उसके बाद अगर आपके फ्रेंड्स कॉमर्स ले रहे हैं ना, तो आप भी बोलते हो नहीं भाई मैं भी कॉमर्स लूंगा। अगर आपके फ्रेंड बोल रहे हैं साइंस लेना है, तो आप बोलोगे नहीं नहीं भाई मैं तो साइंस लूंगा। आप वो चीज देखते ही नहीं हो कि आप लोग केपेबल किस चीज के अंदर हो, आप बस ऐसे आंख बंद करके डिसीजन ले लेते हो कि वो ये कर रहा है तो मैं भी वो करूंगा, और ये बहुत बुरा डिसीजन हो सकता है आपके पूरे फ्यूचर के लिए। लोग बस यही सोचते हो कि यार मैं मेरे दोस्त से कहीं दूर नहीं हो जाऊं, और उस चक्कर में आप कोई ऐसा सब्जेक्ट ले लेते हो जिसमें आप खुद अच्छे नहीं हो। तो ये तो बात हो गई आपकी पढ़ाई रिलेटेड। लेकिन कोई कोई इंसान ना अपनी हेल्थ के साथ भी सैक्रिफाइस कर देता है। अगर समझो आपके कोई फ्रेंड ऐसा ग्रुप मिल गया आपको जो सिगरेट पी रहे, दारू पी रहे, ये कर रहे, तो सीधी सी बात है आपको भी इच्छा होगी अंदर से करने की, और आप भी उनको ज्वाइन करोगे। और ये चीज बहुत ज्यादा कॉमन है कि कूल दिखने के लिए बस ऐसे सिगरेट पीना स्टार्ट कर दो, कूल दिखने के लिए दारू पीना स्टार्ट कर दो, आपके फ्रेंड्स को दिखाने के लिए कि देख भाई मैं भी पी सकता हूं। पर एक बार अगर आपको सिगरेट या दारू की आदत लग गई, तो आप खुद जानते हो कि उससे निकल पाना कितना ज्यादा मुश्किल है। मैं आपका बड़ा भाई हूं, इसीलिए मैं इतना ज्यादा इन्वॉल्व होकर ये वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता यार आप अभी या फ्यूचर में कभी भी किसी भी प्रॉब्लम में आओ। अब बात करते हैं हमारी मिस्टेक नंबर 4 की, वॉचिंग पॉर्न। अब देखो आपने एक बार पॉर्न देखी, आपको समझ में आ गई क्या क्या चीज है, आपने एक बार क्यूरियोसिटी के हिसाब से देख ली होगी पॉर्न, ठीक है, आपने देख
देख ली, समझ ली, आप बाहर आ गए, लेकिन गलती पता है कहां पे? वो पोर्न आपकी ना एक हैबिट बन जाती है, मतलब आप एडिक्टेड हो जाते हो पोर्नोग्राफी के। जब आप पोर्न देखते हो तब क्या होता है, आपके ब्रेन के अंदर एक हार्मोन होता है डोपामिन, वो है ना इंक्रीज होने लगता है, तो आपको ना प्लेजर मिलने लगता है, तो आपको लगता है कि वाह यार क्या चीज है ये। आप ज्यादा पॉर्न देखोगे तो सीधी सी बात है आप एडिक्टेड हो जाओगे पॉर्न के ऊपर। और एक और चीज जो आप यहाँ से बहुत गलत करोगे वो होगा मास्टरबेशन। इस एज के अंदर ना मास्टरबेशन के बारे में इतनी ज्यादा नॉलेज होती नहीं, तो एक दिन में 3 बार 4 बार जितनी मजा आ रही है उतनी बार खेले जा रहे हो, लेकिन ये चीज ना आपके लिए फ्यूचर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। मिस्टेक नंबर 5th, और ये इस एज के अंदर ना बहुत कॉमन मिस्टेक है, अगर हमसे कोई अच्छे से बात करता है ना, हमारे आगे मीठी मीठी बात, तो हमको लगता है कि भाई ये ही है वो अपना इंसान, और अगर कोई आपको आके बोल देना भाई ये चीज गलत कर रहा है तू, तो बस आपका मुंह चढ़ जाता है। आप लोग हर एक की बात में आ जाते हो जो आपको मीठी मीठी बातें करके फंसा लेते हैं, तो ये चीज अगर आपके अंदर होगी ना मेरे भाई, तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। इससे निकलना कैसे, किसी पे भी बिलीव करने से पहले एक बार उस चीज के बारे में एनालाइज कर लो, आप उसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लो, आपको ज्यादा नॉलेज आ जाएगा, तो आप शायद ऐसे बिलीव नहीं करोगे। मिस्टेक नंबर 6, अपने मम्मी पापा की बात नहीं सुनना। देखो ये वाली चीज ना टीनेजर के अंदर बहुत ज्यादा कॉमन है। हमारे मां बाप हमको पता है क्यों गाइड करते, ताकि हम उन्होंने जो मिस्टेक की हो ना हम वो रिपीट ना करें, हमारी लाइफ बहुत अच्छे से वेल सेटल रहे, इसीलिए वो हमको बार बार गाइड करते हैं। और हमको ये वाली चीज अच्छी नहीं लगती, हमको लगता है कि यार हर एक चीज में आप आके रोक टोक कर रहे हो, फ्रेंड के घर जा रहा हूं तो रोक रहे हो, यहां पे रोक टोक, यहां पे रोक टोक, मेरी फ्रीडम छीन ली, फलाना ढिमकाना। लेकिन मेरे भाई ये सारी चीजें जो वो कर रहे हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी खुशी के लिए कर रहे हैं, आपके फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। लेकिन उनकी बात हमको समझ में नहीं आती, हम लोग गलती करते हैं और उसके बाद हमारे पास बैठ के रोने के अलावा और कोई काम नहीं होता है। अगर ये 6 चीजें बंद नहीं की तो आप बहुत शॉर्ट टाइम में नोटिस करोगे कि आप लोग फिजिकली मेंटली इमोशनली टूट चुके हो। और मेरा काम है आप लोगों की हेल्प करना, आपको प्रॉब्लम से निकालना, या फिर आपको किसी प्रॉब्लम में ना जाने देना। उम्मीद है आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करना ना भूले, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। आज का वीडियो थोड़ा हमारा फैशन से अलग था लेकिन बहुत जरूरी था, इसीलिए इस टॉपिक पे वीडियो बनाया है। कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।